हेलो दोस्तों, मैं माला, मैं टेरिस पे गार्डनिंग करती हूँ और पॉट में बहुत सारे प्लांट लगाए। प्लांट में कीड़े का अटैक होता रहता है। मैं देखिए फ्री में ये फंगीसाइड पाउडर बनाई हूँ। शुद्ध ऑर्गेनिक फंगीसाइड पाउडर है और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का फंगीसाइड पाउडर है। ये राख है दोस्तों, और राख में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिए, ऊपर वाला जो पतला वाला राख होता है उसे मैं छान करके और इसे पॉट में डालती हूँ पानी में मिक्स करके, और दूसरा जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसे मैं मिट्टी जब बनाती हूँ उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो हमारा मिट्टी में फंगीसाइड पाउडर यदि नहीं भी मिलाएंगे तो ये राख फंगीसाइड पाउडर का काम करता है। तो देखिए, मैं राख जो नीचे वाला हिस्सा है उसे मैं मिट्टी में मिला करके और मिट्टी रेडी करती हूँ। तो आप फ्री में अपने गार्डन में कैसे फंगीसाइड पाउडर बना सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखिए, नींबू के प्लांट का और भी बहुत सारे हमारे गार्डन में प्लांट है जिसे हमने हार्ड प्रून किया था, और ये काम हमने 15 दिन पहले किया था दोस्तों। उस समय बहुत ज़रूरी होता है अपने प्लांट का बहुत अच्छे से प्रूनिंग करना। तो सितंबर 15 को हमने ये सभी काम किया था और उस समय हमने बहुत सारे प्लांट के हार्ड प्रून किए थे। तो प्रून करने के बाद जो इसके लीव होते हैं उसे मैं कलेक्ट करके कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, किचन वेस्ट बनाती हूँ या लीव कंपोस्ट बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, और जो इसका डंटल होता है लकड़ी का उसे मैं सभी को एक जगह स्टोर करती हूँ। तो देखिए, इतना बड़ा नींबू का प्लांट है तो बहुत सारा इसमें से हमने प्रून किया, तो देखिए कितना सारा हो गया। तो लीव तो बहुत सारे काम आ जाते हैं, जो मैं पॉट रेडी करती हूँ उसमें नीचे में डाल देती हूँ, और जो नींबू के प्लांट पे जो मोटे मोटे जो स्टेम हमने काटा है उन सभी को जमा करके और सभी को एक साथ रख करके सूखने के लिए डाल देती हूँ, और बहुत अच्छी तरह से ये सूख जाता है। अभी तेज़ धूप रहता है तो इस तरह से करके मैं अपने गार्डन के बहुत सारे प्लांट का प्रूनिंग किया था। और समय पर यदि आप कोई काम कर लेते हैं तो आपके प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों। और कुछ काम तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सितंबर, अगस्त और अक्टूबर में करना। यदि आप लेट हो गए हैं तो आप भी इन कामों को ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, प्लांट का प्रूनिंग कर लीजिए, तो आपके प्लांट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और कटिंग के बाद जो भी प्लांट आपको हेल्दी लगता है उसे आप कटिंग से प्लांट भी रेडी कर सकते हैं। देखिए, मैं रख दी थी और सभी सूख करके बहुत अच्छी तरह से अब राख बनने के लिए रेडी है। तो मैं तगारी में डालती हूँ और डालने के बाद इसमें आग लगा देती हूँ, और आग लगा देने के बाद बहुत ही आसानी से ये जल जाता है। तगारी के नीचे मैं एक ईंट रख देती हूँ जिससे हमारा फर्श गर्म नहीं हो, और देखिए इसमें आग लगा दी। लगा देने के बाद देखिए कितना तेज़ी से ये जल जाता है। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होता है तो बहुत जल्द ये सूख भी जाता है, और बहुत जल्द ये जल भी करके भी राख बन जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कागज़ डाली थी और डालने के बाद देखिए किस तरह से जल रहा है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के मैं जलाती हूँ कि हमारे फर्श पे, टेरिस के फर्श पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं गिरे जो आग है। सो बस इसे बीच बीच में मैं नीचे की तरफ दबाती गई और इसे जला दिया, और देखिए बहुत जल्द ये जल करके रेडी हो गया। अब राख जब ये बन जाता है तो आग जब बिल्कुल बुझ जाए तब इसे क्या कीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे छलनी से लेकर के छान लीजिए, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बुझ जाता है तब मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाता है बिल्कुल भी तो मैं इसे छलनी से छान लेती हूँ। देखिए ये किस तरह से जल करके बिल्कुल अब ठंडा हो गया है, और ऊपर में राख कितना अच्छा बन गया, रेडी हो गया है दोस्तों। तो इसे अब छलनी से छान लीजिए, और छान लेने के बाद अपने प्लांट में या पानी में घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से भी पतले जो राख हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगस लगा हुआ है उस पर छिड़काव कर दीजिए, और नीचे वाले हिस्से को मिट्टी में मिला करके आप पॉट में डालिए दोस्तों। तो आपके पॉट में कोई किसी भी तरह का कीड़े का अटैक नहीं होगा, और ये दुनिया का बहुत बढ़िया फंगीसाइड पाउडर है दोस्तों। फ्री में बन जाता है और देखिए बनाना भी कितना ज़्यादा आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और इसमें साल्ट भी पाया जाता है दोस्तों, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो मैं मिट्टी रेडी कर करके और पॉट भी रेडी कर ली हूँ। बहुत सारे विंटर के प्लांट मुझे लगाने हैं, तो इस तरह से आप भी मिट्टी बनाइए और अपने प्लांट को हेल्दी रखिए दोस्तों। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी।